हेलो डियर स्टूडेंट्स हम लोग आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस डॉक्स रिएक्शन एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर इसको बताया जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट यूज टू स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर इसको बताया जाए तो आप इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद दैट deals with the study of production of with the study of production of electricity electrical energy electricity from chemical energy from chemical energy during from chemical energy during a spontaneous redox reaction, during a spontaneous redox reaction and use of and use of electrical energy, use of electrical energy to bring about.

चलिए इसके बाद हम लोग इसको एक बार देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सेकेंड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको हम गैरोनिक सेल भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ठीक है और थर्ड होता है कंडक्टेंस तो इस चैप्टर को हम लोग इन्हीं तीन सेगमेंट्स से में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड कंडक्टेंस ठीक है तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग यहां पर जो लेने जा रहे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिस भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग इसको ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल करेंट इलेक्ट्रिक करेंट कॉजेज अ केमिकल चेंज कॉजेज अ केमिकल चेंज यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिस अगर हम आसान सी सिंपल सी एक लाइन में बताएं कन्वर्जन ऑफ न्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोलेसिस ठीक है वाया आप इसको ऐसे बोल सकते हैं वाया नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज ठीक है तो चलिए तो अब आते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस को जो हम लोग स्टडी करेंगे तो इसको हम लोग अगेन दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स वन इज नोन एज क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस ठीक है एंड अदर वन इज क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस एंड क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। हम थोड़ा आसान से वर्ड में आपको बताएं क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस व्हाट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड एंड क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है आफ्टर इलेक्ट्रोलिस आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड अमाउंट इज वॉट वॉट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ठीक है तो हम लोग इसको दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे तो चलिए सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होगा इस पर काम करते हैं फिर वो कितना प्रोड्यूस होगा इस पर तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे हमारी नेक्स्ट हैडिंग होगी क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस तो क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिस को शुरू करने से पहले हमको यहां पे आपको कुछ टर्म से अवेयर कराना पड़ेगा जो हर हर एक सेल का पार्ट होता है तो मैं एक-एक करके वो टर्म आपको हाईलाइट कराता हूं जैसे कि आ, सबसे पहला होता है आपका इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं इलेक्ट्रोड्स आर द सब्सटेंस एट विच केमिकल चेंजेस अकस जिसके सरफेस पे केमिकल चेंजेस होते हैं उनको हम लोग क्या कॉल करते हैं है, अब इन इलेक्ट्रोड्स को भी आप फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं ठीक है तो कैथोड की डेफिनेशन क्या होती है द इलेक्ट्रोड एट विच इलेक्ट्रोड विच रिडक्शन टेक्स प्लेस ठीक है और एनोड की डेफिनेशन इसका जस्ट उल्टा द इलेक्ट्रोड विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस तो कैथोड क्या होता है इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस और एनोड क्या होता है इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ठीक है तो ये ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा क्लियर है अच्छा दूसरी इसकी एक और इलेक्ट्रोड uh, का एक और क्लासिफिकेशन होता है अगर हम इलेक्ट्रोड के क्लासिफिकेशन पे ही आ जाए तो वी हैव वन मोर क्लासिफिकेशन क्या होता है भाई वो क्लासिफिकेशन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या बोलेंगे हम इन क्लासिफिकेशन को रिएक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड रिएक्टिव और इनर्ट पहले हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम ब्लैक कार्बन ग्रेफाइट ये सब हमारे लिए क्या हो गया इनर्ट इलेक्ट्रोड और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड रिएक्टिव इलेक्ट्रोड किसी भी मेटल का हो सकता है सिल्वर मरकरी ये सब आपके रिएक्टिव इलेक्ट्रोड इवन कॉपर भी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड बनाता है ठीक है तो इलेक्ट्रोड्स में सिंपली आप बता सकते हैं तो इलेक्ट्रोड्स क्या थे जिनके सरफेस पे रिएक्शन होती है ठीक है अब उनके सरफेस पे दो तरह की रिएक्शन हो सकती थी रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन उसके बेसिस पे हमने पहला क्लासिफिकेशन देखा दूसरा होता है उनकी रिएक्टिविटी यानी एक्टिविटी तो इलेक्ट्रोड के सरफेस पे रिएक्शन हो रही है लेकिन वो खुद उसमें पार्टिसिपेट अगर नहीं कर रहा है तो वो उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड खुद इट्स अपना केमिकल रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं करेगा लेकिन अगर सब्सटेंस केमिकली खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है कोई इलेक्ट्रोड तो हम लोग उसी इलेक्ट्रोड क्या बोल देते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं जिसमें सब्सटेंस केमिकली इन्वॉल्व होता है और इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होते हैं जिसमें सब्सटेंस केमिकली इन्वॉल्व नहीं होता है आसान सी बा, सी है ठीक है तो एक तो आपने इलेक्ट्रोड जान लिया ठीक है इलेक्ट्रोड्स के बाद दूसरा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सेल से रिलेटेड टर्म होता है वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट देखिए भाई इलेक्ट्रोलाइट आपने आयनिक एक्लूबे में भी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जिसको जो हमें आयंस देते हैं ठीक है सच सच सब्सटेंसेज विच कैन प्रोड्यूस आयंस नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक है तो अब इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग यूज कैसे करते हैं इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग यूज करते हैं दो तरह से इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास दो तरह से रिएक्शन में एज ए इलेक्ट्रोलाइट वर्क करता है एक तो होता है मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट एक तो है आपके पास मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट दूसरा होता है एक्वस इलेक्ट्रोलाइट ये दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट एंड एक्वस इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई भी सॉलिड आयनिक कंपाउंड था आपने उसको हीट करके मेल्ट करके यूज़ किया तो उसको हम लोग मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे और अगर आपने उसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व कर दिया और आयनाइज किया तो हम उसको एक्वास इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे अच्छा क्या सॉलिड स्टेट में कोई इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ऑल दो इट हैज आयंस अगर आप जिसे सॉलिड एन ए सी एल ले लें सॉलिड एन ए सी एल में भी तो एन ए प्लस और माइनस प्रेजेंट है तो भाई कंडक्शन के लिए यहां पर आप इलेक्ट्रोलाइट में क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का काम होता है चार्ज कंडक्ट कराना चार्ज को मूव कराना ठीक है भाई तो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट के पास क्या होना कंपलसरी है इलेक्ट्रोलाइट के पास आइदर फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस प्रेजेंट होना कंपलसरी होता है तो इन मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट वहां पर फ्री आयंस रहते हैं और एक्वस इलेक्ट्रोलाइट पर भी फ्री आयंस रहते हैं लेकिन अगर आप एक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो वहां पर सिर्फ आयंस होंगे बट वो फ्री नहीं होंगे फ्री टू वॉट फ्री टू मूव तो वहां पे आयंस फ्री नहीं होंगे फॉर वॉट मूवमेंट के लिए जब तक आयंस फ्री नहीं होते तब तक वो चार्ज को कैरी नहीं करा सकते इतनी बात मेरी याद रखिएगा ठीक है तो हमने बताया ना कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें दो चीज़ें एक तो इलेक्ट्रोड दूसरा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जानना चाहिए ठीक है तो अब आते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से शुरू करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आ, पहला हम केस वन ले रहे केस वन केस वन क्या है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन इलेक्ट्रो इट्स इलेक्ट्रोलिस ऑफ मॉर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स हम मॉर्टन यानी जो फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हम उनकी इलेक्ट्रोलिस पहले सीख रहे हैं चलिए तो हम यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का आपको कंस्ट्रक्शन एक बार बना के दिखा देते हैं कंस्ट्रक्शन जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन उन्होंने जे ने कंस्ट्रक्शन बेस्ड भी पूछे हुए हैं तो इसका कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन होता है आप एक यहाँ पर क्या लेते हैं कंटेनर लेते हैं एक कंटेनर ठीक है उस कंटेनर में हम क्या फ़िल करते हैं इलेक्ट्रोलाइट जिस सब्सटेंस की हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी होती है उसको हम यहाँ पर फिल करते हैं ठीक है थीके? और उस इलेक्ट्रोलाइट में हम दो यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं ठीक है थीके? और इन इलेक्ट्रोड्स को इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है इन इलेक्ट्रोड्स को किससे कनेक्ट किया जाता है बैटरी से ठीक है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है ठीक है भाई तो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जिसको हम कनेक्ट करते हैं वो हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा और वो यहाँ पर है कैथोड तो कैथोड हियर इज निगेटिव इलेक्ट्रोड और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल जिससे कनेक्टेड है वो हमारे लिए क्या होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम यहाँ पे एनोड बोलेंगे क्लियर है भाई ठीक है अभी हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे यहाँ पर तो ये हमने इसका सेटअप लगाया क्लियर है तो अब जरा ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है हमने यहाँ पर क्या किया हमने एग्जाम्पल लिया हमने मॉल्टन एन का इलेक्ट्रोलिसिस आपको करके हम दिखा रहे हैं तो मॉल्टन एन सबसे पहले एन को जब आप आइनाइज़ करोगे एन जब आपका आयनाइज़ होगा तो उस वक्त उसका आफ्टर आइनाइजेशन वहाँ पर सल्यूशन में क्या प्रेजेंट रहेगा Na प्लस और Cl माइनस अब जैसा कि हमने बताया कि जैसे यहाँ पर सेल कनेक्ट करेंगे ये सारे इलेक्ट्रोड क्या हो जाएंगे चार्ज हो जाएंगे चार्ज हो जाएंगे तो उनका अपना एक रिस्पेक्टिव साइन है तो फिर यहाँ पर दो तरह की चीज़ें आपको ऑब्जर्व होंगी एक तो कैथोड पर और दूसरा एनोड पर तो कैथोड और एनोड के बारे में देखते हैं क्या हो रहा है कैथोड देखिए निगेटिव इलेक्ट्रोड है तो कौन सा आयन उसकी तरफ मूव करेगा उसकी तरफ मूव करेगा सोडियम आयन ठीक है सोडियम आयन आपका उसकी तरफ मूव कर रहा है और एनोड क्या है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो उसकी तरफ कौन मूव करेगा क्लोराइड आयन ठीक है अब देखिए होगा क्या सोडियम आयन इधर मूव करेगा तो यहां पर इसको बैटरी से चार्ज मिलता है तो बैटरी से चार्ज मिलते ही ये क्या करता है ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कैथोड और क्या फॉर्म करता है सोडियम सॉलिड और सेम ऐसे ही क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्या फॉर्म करता है क्लोरीन गैस देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस हमेशा ध्यान रखिए आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस हर एक आयन अपने आप को उसके मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक स्टेट की तरफ ले जाता है ठीक है एलोट्रोपिक स्टेट से मेरा यहाँ पे मतलब है कि मतलब नेचर में वो सबसे ज़्यादा जिसके फॉर्म में मिलता है तो सोडियम आयन सोडियम सॉलिड के फॉर्म में मिलता है क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस के फॉर्म में मिलता है तो इस तरह से इलेक्ट्रोलिस हुई तो एनोड ने देखिए क्या किया है इलेक्ट्रॉन लूज किया था ठीक है एनोड ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है और कैथोड ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है गेन किया है तो आप यहाँ पर ऐसे दिखा सकते थे यहाँ से कै, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकला और कैथोड पे क्या हुआ है रिसीव हुआ है यानी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या आएगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए क्या आ रहा है एनोड टू कैथोड एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और कैथोड पे जा रहा है दिस इज फॉर आउटर सर्किट दिस इज फॉर एक्सटर्नल सर्किट ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट होता है और ये इंटरनल सर्किट जो सल्यूशन के अंदर होता है उसको इंटरनल बोलते हैं और आपको पता है कि चार्ज क्या करता है सर्किट ऐसे सर्कुलर वे में कंप्लीट करता है तो इधर से अगर जा रहा है तो इंटरनल सर्किट में कहां से कहां की तरफ जाएगा कैथोड से एनोड की तरफ तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड तू कहां पर है एक्सटर्नल सर्किट ठीक है और इंटरनल सर्किट में कहां पर है इंटरनल सर्किट में कैथोड से एनोड की तरफ है ठीक है तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये कंस्ट्रक्शन पे ध्यान रखने वाला पॉइंट है एक बार पूछा गया था एटी में वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सटर्नल सर्किट और आउटर सर्किट तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है एनोड टू कैथोड अच्छा डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है करंट की डायरेक्शन देखिए करंट हमेशा कहाँ से चलता है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगा और निगेटिव टर्मिनल पे करंट रिसीव होगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन और करंट की डेफिनेशन करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होती है आप आपने फिजिक्स में ऑलरेडी ये सब पढ़ रखा है नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ लेंगे आप कि करंट की और चार्ज की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट रहती है चलिए तो ये हमने देखा कि कैथोड और एनोड पर क्या हुआ जब हमने चार्ज पास किया तो उनके कैथोड और एनोड की इक्वेशन हमें इस तरह से मिलेंगी तो जरा कैथोड और एनोड की इक्वेशन नेट इक्वेशन ये देखिए ये कैथोड की इक्वेशन है ये एनोड कैथोड पर देखिए क्या हुआ ये प्लस चार्ज था प्लस चार्ज से जीरो चार्ज में कन्वर्ट हुआ है तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर दिस फिना इज़ कॉल्ड रिडक्शन और यहाँ पर देखिए ये माइनस वन चार्ज से जीरो चार्ज की तरफ गया है क्या हुआ है इंक्रीज किया है ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है तो कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है और एनोड पर ऑक्सीडेशन अब अगर हम इस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कैथोड और एनोड की रिएक्शन को ऐड कर दे तो कैथोड और एनोड की रिएक्शन को अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें तो हमें नेट इक्वेशन क्या दिखेगी एन ए प्लस प्लस सी एल माइनस एने सॉलिड प्लस हाफ क्लोरीन गैस हमें ये इक्वेशन मिलेगी और दिस इक्वेशन इज वॉट अम्प्लीट रिडोक्स रिएक्शन आपने सुना होगा रिडॉक्स रिएक्शन को एक सेल रिएक्शन भी बोलते हैं तो ये क्या है ये एक सेल रिएक्शन है और ये दोनों क्या थी ये हाफ सेल रिएक्शन थी हाफ सेल रिएक्शन दीज आर हाफ़ सेल रिएक्शन और दोनों हाफ सेल रिएक्शन को कंबाइन करते हैं तो एक कंप्लीट हमें सेल रिएक्शन मिल जाती है और वो सेल रिएक्शन क्या है Na प्लस प्लस सी एल माइनस गैस एन ए सॉलिड प्लस हाफ़ सी एल टू गैस आपने दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और नेट में आपको इक्वेशन मिलेगी तो इस तरह से हम लोग किसी भी मॉल्टन uh, इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रॉनिश कर सकते हैं चलिए इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स मेनली ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स तो ये एक छोटा सा पॉइंट है इसको कहीं पर लिख लेते हैं लिख लेते हैं हम लोग इस पॉइंट को हमें क्वेश्चन वगैरह करने में ये हो सकता है कि थोड़ी हेल्प करे क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड मेनली ऑन डिपेंड मेनली ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स फॉलोइंग फैक्टर्स अब वो फैक्टर क्या क्या है जरा उन फैक्टर्स को देखते हैं हम लोग पहला फैक्टर क्या था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वेरियस पॉसिबल रिएक्शंस एट कैथोड और एनोड तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए जो भी सब्सटेंस यहां पे इलेक्ट्रो जैसे यहां पे रिड्यूस हो रहा है तो इसके रिड्यूस होने का पोटेंशियल यहां पे ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसके ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल उसी को हम लोग यहां पर क्या बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे हैं ठीक है थीके? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा दूसरा ओवर पोटेंशियल ऑफ गैसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ओवर पोटेंशियल ऑफ गैसेस ठीक है तो ये एक बहुत आपको है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तीसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आय एंड लास्ट फैक्टर है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड अच्छा एक चीज तुम्हें तो बताना ही भूल गया यहाँ पर कि मैंने ये जो रिएक्शन लिखी है दिस रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड यहां पर हमने कैसा इलेक्ट्रोड यूज किया है inert electrode. इनर्ट इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड हमारा कौन हो सकता था हम यहाँ पे कार्बन ग्रेफ का इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर सकते थे ठीक है तो ये हमने किस पे किया है हमने यहाँ पे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज किया है इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया है एक इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए हमने ये सब कुछ किया अभी हम जो शुरू में आपको बता रहे हैं ये सब कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए रहेगा इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये चार फैक्टर में लिख लिए हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओवर पोटेंशियल ऑफ गैसेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड तो इन सब पे कैसे डिपेंड करेगा इनको एक एक करके समझते हैं ओवर uh, पोटेंशियल को हम लोग लेटर देखेंगे पहले हम मेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताते हैं देखिए जब आप कैथोड पे होते हैं ना तो कैथोड पे कौन सा फिनोमिना होता है रिडक्शन तो uh, जिस एलिमेंट का या जिस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो कैथोड पर जाएगा ठीक है और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो कहाँ पर जाएगा वो एनोड पर जाएगा ठीक है तो इस तरह से पोटेंशियल पर डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन से मतलब है कि आपने जैसे किसी भी चीज़ का सोलूशन लिया अगर उसका वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सफिशेंट नहीं है तो वो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा और जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रोलिस में इन्वॉल्व हो जाएगा भले वो सब्सटेंस मेन वही हो चलिए इसको भी आगे हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे और दूसरा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड भाई इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया है कि आपने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लिया है इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया है तो सेल रिएक्शन पे पूरी तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स का कंट्रोल होता है लेकिन अगर आपने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स ले लिया है तो वहाँ पर जो सेल रिएक्शंस होंगी वो इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा इलेक्ट्रोड डिसाइड करेंगे ठीक है तो ये फैक्टर्स ध्यान रखिएगा तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि किसी भी मॉल्टर इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिस कैसे किया जाता है ठीक है तो अब उसके लिए आपको बस पता क्या होना चाहिए कि हर एक आयंस का इलेक्ट्रोलिस के बाद इक्वेशन क्या बनती है वो आपको पता रहना चाहिए तो जैसे हेलाइट्स तो उनमें मैं आपको कुछ यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ जैसे कोई भी हेलाइड है तो हेलाइड हमेशा किस में कन्वर्ट होता है हेलाइड हमेशा कन्वर्ट होता है हेलोजन गैस में ठीक है दूसरा आपके पास हो सकता है सल्फ़ेट आयन अगर सल्फेट आयन है वो हमेशा किस में कन्वर्ट होता है एस टू ओ एट टू माइनस में कन्वर्ट होता है ठीक है ये मैं कन्वर्जन बता रहा हूँ इसके बाद अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर आ, इसने टू इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था इसने यहाँ पर क्या किया है इसने भी टू इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या किए लूज़ किए हैं ठीक है ठीके? और भी हम लोग लिख सकते हैं जैसे हाइपोसल्फेट होता है थायोसल्फ़ेट आयन एस टू ओ थ्री टू माइनस तो ये टू इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और बनाता है एस फोर ओ सिक्स टू माइनस ठीक है तो इस तरह से ये मैंने आपको कुछ सर्टन एग्जाम्पल्स दिखाए जहाँ पर आप किसी आयंस को इलेक्ट्रोलाइज करके प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं तो इनके आयंस के आपको पता होना क्योंकि देखिए मोस्टली तो आपको पता होता है बस ये मैंने जो एग्जाम्पल कुछ बताए ये आपके कॉमनली यूज भी है और आपको हो सकता है कि इनके बारे में अब इन्फॉर्मेशन ना हो तो आप इनको भी नोट कर लें ठीक है चलिए अब हम लोग इसके बाद आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ चलिए तो वो इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं वो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिस ऑफ एक्वस इलेक्ट्रोलाइट तो हमने यहां पर एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल ले लिया है एक्वस एनएससीएल तो हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराना चाहते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ वो भी आपको वैसे एक्चुअली हमेशा अपने आप याद करनी है वो क्या इन्फॉर्मेशन है वाटर एज कैथोड वाटर जब कैथोड पर होता है तो उसकी इक्वेशन क्या रहती है लिख लीजिए टू एस टू ओ लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन electron टू एच टू गैस सॉरी एच टू गैस प्लस ट्वाइस ओ एच माइनस ठीक है ये कैथोड की इक्वेशन होगी वाटर की दूसरी इक्वेशन होती है वाटर एज एनोड वाटर एट एनोड तो इक्वेशन क्या आएगी आपकी यहां पर टू एच टू लिक्विड गिव्स ऑक्सीजन गैस प्लस फोर एच प्लस एक्वस प्लस फोर इलेक्ट्रॉन ठीक है अच्छा इसके साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन आपको नोट करनी चाहिए वो क्या है वो है इनका अपना खुद का जो पोटेंशियल होता है तो वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वाटर का यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज़ माइनस ज़ीरो पॉइंट एट थ्री वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज़ माइनस ज़ीरो पॉइंट एट थ्री वोल्ट एंड रिडक्शन और दूसरा वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल यहां पर कितना है ये माइनस वन पॉइंट टू थ्री वोल्ट ये इनकी रिडक्शन पोटेंशियल ये वैल्यूज भी अगर आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा अच्छा अभी ये सब कुछ जो कुछ भी हम आपको करा रहे हैं सब इनर्ट इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में ही करा रहे हैं तो इनर्ट इलेक्ट्रोड आप कोई भी ले सकते थे गोल्ड का प्लेटिनम का या फिर ग्रेफाइट का कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोड ले सकते हैं तो जब हम लोग किसी भी एक्वस इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोलिस कराते हैं तो हमारे पास जैसे हमने एक्वस एन का एग्जाम्पल लिया तो एक्वस एन जो होता है एक्वस एन ये आयनाइज होगा और आपको क्या देता है एन ए प्लस सी एल माइनस उसके अलावा उसके अलावा वहां पर एक और चीज एक्सेस में प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड वाटर ठीक है चलिए तो अब हम लोग इसकी इक्वेशन देखते हैं कैथोड और एनोड पर इक्वेशंस क्या बनती है जरा इनकी कैथोड की इक्वेशन देखते हैं कैथोड कैथोड पर देखिए आपके पास दो पॉसिबिलिटी है कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है तो उसके पास एक तो एन प्लस जाएगा और दूसरा वाटर जाएगा तो जरा दोनों के इलेक्ट्रोलिसिस की इक्वेशन लिखते हैं तो यहाँ पर हम वाटर की इक्वेशन हमने ऊपर लिखी हुई है टू एच टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स एच टू प्लस टू आइस ओ एच माइनस और जरा इनका सेल पोटेंशियल भी लिख लेते हैं इनका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है माइनस जीरो पॉइंट एट थ्री वोल्ट ठीक है और सोडियम आयन अगर इलेक्ट्रोलाइज होगा तो ये क्या बनाएगा सोडियम सॉलिड प्लस वन इलेक्ट्रॉन तो इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग यहाँ पर लिखते हैं दैट इज़ वेरी हाई माइनस टू पॉइंट सेवन वन इज़ वेरी लो एक्चुअली वेरी हाई नहीं वेरी लो तो अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं एक तो ये सोडियम आयन है दूसरा वाटर है तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में ही आ, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल देखिए किसका है आप देखिए मैथमेटिकली या नंबर लाइन पे आप देखिए कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हायर रिडक्शन पोटेंशियल है किसका वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे हाई है ठीक है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वही यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रोलाइज होगा दूसरा सब्सटेंस वहाँ पर स्पेक्टेटर रहेगा यानी वो अपना केमिकल प्रेजेंस वहाँ पर शो नहीं करेगा केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा तो हियर हियर फूज रिडक्शन पोटेंशियल इज हाई विल

तो कैथोड पर कौन सी रिएक्शन नहीं होगी और कौन सी रिएक्शन होगी कैथोड पर ये रिएक्शन नहीं होगी और ये वाली रिएक्शन होगी यानी कैथोड पर सिर्फ ये रिएक्शन होगी जिसको मैंने बॉक्स में किया है ठीक है क्योंकि इसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा ठीक है कैथोड वाला पॉइंट आपको समझ में आया दूसरा आ, हमारे पास जो रिएक्शन बनेंगी वो क्या होंगी एनोड की एनोड हमें पता है कि क्या होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है एनोड हमें पता है कि क्या है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो इसके पास दो चीज़ें आएंगी एक तो इट्स सेल्फ सी एल माइनस आएगा दूसरा वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है वो भी अपनी रिएक्शन को शो करेगा तो टू एच टू ओ गैस ओ टू गैस प्लस फोर एच प्लस प्लस फोर इलेक्ट्रॉन और Cl- क्या करेगा Cl- आपको देगा यहाँ पर टू Cl- एल माइनस के सी एल टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन ठीक और क्लोरीन गैस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा क्लोरीन गैस यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इनके ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल देखते हैं कितना आता है माइनस वन पॉइंट थ्री सिक्स फोर ऐसे ही वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आएगा बी माइनस be पॉइंट टू थ्री वोल्ट तो अब यहाँ पर इन दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखिए एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो टेक्निकली होना क्या चाहिए उसी का ऑक्सीडेशन पहले होना चाहिए यानी वही इलेक्ट्रोलाइज होगा तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप क्या दिख रहा है कि वाटर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो वॉटर इलेक्ट्रोलाइज होना चाहिए था सी नहीं लेकिन जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो वहाँ पर आ, मिला कि हमें क्लोरीन क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज़ हो रहा है बट वाटर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है तो इसके पीछे रीज़न क्या था जब इसका रीज़न देखा गया तो वहाँ पर एक स्पेशल केस देखने को मिला दैट स्पेशल केस इज़ वॉट ओवर पोटेंशियल ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन गैस यहाँ पर होता क्या है वैसे तो वाटर के ऑक्सीडाइज़ होने के लिए इतना पोटेंशियल चाहिए होता है लेकिन उसमें से उस पोटेंशियल में से उस पोटेंशियल में, में से कुछ पोटेंशियल ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करने में यूज़ हो जाता है तो ऑक्सीजन गैस को अगर यहाँ पर एज ए प्रोडक्ट बनना था तो उसके लिए उसको एडिशनल पॉइंट फोर ज़ीरो का पोटेंशियल और चाहिए होता था तो इसमें अगर आप पॉइंट फोर जीरो अगर आप ध्यान से देखें तो ये फाइनली आपके पास कितना बच जाएगा अभी आप देखिए इसका यहाँ पर कितना हो गया ये दोनों दोनों को ऐड करिए तो ये बन जाएगा माइनस वन पॉइंट सिक्स थ्री और अभी देखिए किसका पोटेंशियल ज़्यादा हो चुका है अभी देखेंगे तो आपको दिखेगा क्लोरीन गैस का पोटेंशियल ज़्यादा हो चुका है तो ड्यू टू दी ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन गैस क्लोराइड विल प्रोड्यूस क्लोराइड विल प्रोड्यूस एज अ इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्लोरिन गैस विल प्रोड्यूस एज अ इलेक्ट्रोड रिएक्शन बट वाटर विल नॉट ऑलडो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आई ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन गैस की वजह से तो ऑक्सीजन को जो एडिशनल पोटेंशियल चाहिए होता है उस एडिशनल पोटेंशियल की वजह से वाटर वहां पर इलेक्ट्रोलाइज नहीं हो पाता तो आपने देखा जब हम लोग एक्वा सोल्यूशन में सॉल्व कर रहे थे तो एक्वा सोल्यूशन में ही हमें ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि एक्वा सोल्यूशन में ही हमें चूज करना पड़ता है वाटर और रिस्पेक्टिव आयन में से कौन इलेक्ट्रोलाइज होगा तो ये ओवर पोटेंशियल सिर्फ आपको एक्वस सोल्यूशन में ही देखने को मिलेगा तो यहां पर आपके पास क्या है यहां पर सबसे पहली चीज है या तो आपको पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उनके सारी वैल्यूज वगैरह अच्छे से लर्न होनी चाहिए सबके रिडक्शन पोटेंशियल आपको अच्छे से याद होने चाहिए तब तो आप शायद इनको कर पाओगे या फिर मैंने एक इसके लिए छोटा सा एक ट्रिक बनाया हुआ है अगर आप उस ट्रिक को ले लें तो एट्टी टू नाइन्टी परसेंट तक वो ट्रिक एकदम परफेक्ट है और एट्टी टू नाइन्टी परसेंट का चांस है कि आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा तो अगर आप उस ट्रिक को नोट कर ले तो आप इस ओवर पोटेंशियल को जज करने वाली प्रॉब्लम से ओवरकम हो जाएंगे और आपको कैथोड और एनोड के प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा तो आपको मैं वो ट्रिक लिखा देता हूँ और आप उस ट्रिक को नोट कर लीजिए और उसकी प्रैक्टिस करिए तो मैं यहाँ पर आपको वो छोटा सा अपनी तरफ से एक ट्रिक दे रहा हूँ इसको ध्यान रखिएगा द इस ट्रिक में फर्स्ट पॉइंट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ट्रिक इज़ वॉट कि आ, अगर आपका एट कैथोड सबसे पहले हम लोग कैथोड के लिए देखते हैं एट कैथोड इफ एल्कली मेटल लाइक के प्लस और एन ए प्लस एल्ली अर्थ मेटल लाइक एम जी प्लस टू और एलूमियम ग्रुप थर्टीन मेटल इनके ये प्रेजेंट है एट कैथोड एट कैथोड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन टू इसको हम लोग थोड़ा सा रोमन के बजाय नंबर्स में लिखते हैं ग्रुप वन टू एंड थर्टीन अगर ग्रुप वन टू और थर्टीन के एलिमेंट्स कैथोड पर अगर प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एन प्लस के प्लस एम प्लस टू सी प्लस टू ए एल प्लस थ्री ठीक है तो वहां पर क्या होगा वहां पर वाटर विल इलेक्ट्रोलाइज फर्स्ट वहां पर उस केस में वॉटर वेल इलेक्ट्रोलाइज यहां पर कौन इलेक्ट्रोलाइज होगा वाटर इलेक्ट्रोलाइज होगा अगर कैथोड पर कौन है फॉलोइंग एलिमेंट्स सेकेंड केस है कैथोड के लिए ही एट कैथोड एट कैथोड दर आयंस अदर कौन से अदर देन दीज अदर मेटल आयंस लाइक जिंक प्लस टू कॉपर प्लस टू क्रोमियम प्लस थ्री ठीक है जिंक है आयरन uh, हो गया सिल्वर हो गया ये सब आपके पास क्या है ये सब अदर हैं देन दिस यानी आप इसको ट्रांजिशन मेटल भी बोल सकते हैं ट्रांजिशन मेटल्स अगर हैं तो ये सब क्या कर सकते हैं अगर ये होंगे देन वाटर विल नॉट इलेक्ट्रोलाइज ठीक है यानी कौन इलेक्ट्रोलाइज होगा मेटल इलेक्ट्रोलाइज होगा फॉलोइंग मेटल्स तो ये कैथोड के लिए पॉइंट थे इनको नोट करते जाइए मेरे साथ साथ में ही थर्ड पॉइंट वो हम एनोड के लिए देखेंगे एट एनोड आयंस लाइक एट एनोड आयंस लाइक क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड मोस्टली ये ओवर पोटेंशियल इन्हीं के लिए मिलता है फ्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड देन, देन, वाटर विल नॉट इलेक्ट्रोलाइज यानी कौन इलेक्ट्रोलाइज होगा ये मैट ये आयन इलेक्ट्रोलाइज होंगे और फिर चौथा पॉइंट है वो भी एनोड के लिए ही है एट एनोड ions like fluoride fluoride sulfite sulfate nitrate carbonate oxalate or phosphate यानी अदर देन ये जो तीन है इनके अलावा अगर कोई आयंस है देन वाटर विल इलेक्ट्रोलाइज ठीक है तो ये आपको ये जो मैंने छोटे से कुछ ट्रिक्स बताए हैं अगर आप इनको याद रखेंगे तो आपके सामने कोई भी कंपाउंड आ जाए आप उनका इलेक्ट्रोलिस आसानी से कर सकते हैं और उनके इलेक्ट्रोलिस इक्वेशंस को लिख सकते हैं आपको अलग से वर्क पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी ठीक है भाई